हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं जो भी आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर यानी कि उद्यान विज्ञान के अंतर्गत जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको लेकर। तो आज अपन इनकी बातें करेंगे, उसके साथ साथ ही जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है वो भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और हॉर्टिकल्चर की अपन ने कई क्लासें भी इस YouTube चैनल पर डाली हुई है, तो एक बार उनको भी देख लेना। उनके अंदर ट्रिक के माध्यम से काफ़ी आसान तरीके से या सरल तरीके से बताया गया है। तो चलिए अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि मानव को भोजन में प्रतिदिन फलों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को ये बताना है कि जो प्रतिदिन आपको भोजन के अंदर जो फलों की आवश्यकता होती है तो वो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है 75 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है 120 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 150 ग्राम। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि अपन ने इस चीज़ के ऊपर पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और ये कई बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड, 120 ग्राम जो डेली फलों को खाने की आवश्यकता होती है, जो ICMR के द्वारा रिकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से एकांतरण फलन की समस्या किसमें पाई जाती है। तो अल्टरनेट बियरिंग होती है, एकांतरण फलन किसे बोलते हैं, अल्टरनेट बियरिंग। तो अल्टरनेट बियरिंग होती है वो किसके अंदर ये मुख्यतः समस्या पाई जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है आंवला, ऑप्शन नंबर 2 है आम, ऑप्शन नंबर 3 है ए व दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ज़्यादातर सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं बच्चे, एक साथ आम को देखते ही अल्टरनेट बियरिंग आम के ऊपर लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आंवला व आम इसके अंदर दोनों ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ए व ब दोनों। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस फल में सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो काफ़ी यानी कि इनमें कई ऐसे फल हैं इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें सर्वाधिक की बात कर रहा है क्योंकि आम के अंदर भी बहुभ्रूणता पाई जाती है अगर आप सभी लोगों को पता हो तो। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होने वाला है वो आप लोगों को चयन करना है उस चीज़ का। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके सामने, आम हो गया, दूसरा क्या है पपीता, तीसरा नींबू व केला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, नींबू हो जाएगा क्योंकि इसने सर्वाधिक की बात की है। और जो सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, नींबू के अंतर्गत पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ अपन ने स्टार्टिंग जो हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट क्लास अपन ने जो ली थी उसके अंदर ही अपन ने बात की थी कि जो जितनी भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जितनी भी जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है सबकी बात कर चुके हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए काफ़ी आसान होगा कि सब्जियों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 है ओलेरिकल्चर, 3 है फ्लोरिकल्चर और 4 है हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है आई होप सभी को पता ही है कि जो ओलेरिकल्चर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ओलेरिकल्चर के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, सब्जियों की खेती का अध्ययन। इसके अलावा मैं बात करूं कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंदर फलों का करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर जो आपके फ्लावर वगैरह होता है उनका करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर इन सभी चीज़ों का जो मिक्स के अंदर अध्ययन किया जाता है उसका किया जाता है। जैसे कि हॉर्टी का मतलब बताया था मैंने कि गार्डन, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टिवेशन। तो इसी के अंतर्गत अपन ने इनके सभी, अगर मैं इनके वर्डों की बात करूँ कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो इनके भी अपन ने शानदार ट्रिक बताई थी कि जिनके पीछे कल्चर आता है तो कल्चर आ रहा है वो लैटिन वर्ड होते हैं, और लॉजी आता है वो क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड। लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को मैंने अपवाद बताया था, पोमोलॉजी ये क्या है, ग्रीक एंड जो आपका लैटिन दोनों से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने, उनमें से कौन सा फल उष्ण फल नहीं है, ये उष्ण फल नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो इसके अंदर नहीं पूछा है। तो आई होप सभी को पता होगा कि पपीता होगा, केला होगा, आम होगा, अमरूद होगा, कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमरूद हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, उष्ण का अमरूद। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा पादप सुंदरता के लिए लगाया जाता है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गुलमोहर का, ऑप्शन नंबर 2 है नीम का, ऑप्शन नंबर 3 है रॉयल पाम, या ऑप्शन नंबर 4 है मैग्नोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो, जो ऑयल पाम है, सॉरी
रॉयल पाम है उसका अपन क्या करते हैं, जो सजावटी पौधों के लिए सुंदरता के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं। रॉयल पाम का आपको काफ़ी घरों के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे रॉयल पाम के पौधे। और अगर रॉयल पाम नहीं देखा हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, फिर हम आप लोगों को इसका भी फ़ोटो एंड वीडियो शेयर कर देंगे। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से सुगंधित पादप है, इसने पूछा है सुगंधित पादप कौन सा है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइकस रेटुजा, ऑप्शन नंबर सेकंड है नीम, ऑप्शन नंबर थर्ड है रॉयल पाम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मैग्नोलिया ग्रैंडी फ्लोरा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आई होप सभी लोगों को पता ही होगा। तो सुगंधित पादप पूछा है तो इसके अंदर क्या होगा, जो मैग्नोलिया ग्रैंडी फ्लोरा है वो क्या होगा आपका सुगंधित पादप हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शीतोष्ण फल है, तो इसमें नहीं पूछा, ये नहीं पूछा है कि इसमें नहीं है, इसमें पूछा है कि कौन सा है, तो शीतोष्ण फल के बारे में पूछा। तो अंगूर होगा, अनानास होगा, पपीता होगा या केला होगा। तो आई होप ये तो सभी को ही पता होता है कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो अंगूर क्या हो जाएगा आपका शीतोष्ण का हो जाएगा। अगर इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से उपोषण फल है, उपोषण की बात करूँ तो उपोषण फल कौन सा हो जाएगा आप लोगों के सामने, अमरूद नींबू वर्गीय अनार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो इसके अंदर पूछा गया है कि फल व सब्जी वाले पौधे ज़्यादातर होते हैं, तो फूल व सब्जियों वाले पौधे ज़्यादातर क्या होते हैं। तो इसमें फूलों की और सब्जियों की बात क्या है, वो क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, एकवर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आई होप सभी को पता ही है कि ज़्यादातर जो भी अपन फ्लावर वगैरह लगाते हैं या सब्जी वगैरह लगाते हैं वो एक वर्ष के अंदर ही अपना कंप्लीट जीवन काल कंप्लीट कर लेती है, तो वो ज़्यादातर क्या हो जाएंगी, एकवर्षीय हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर भी क्या होने वाला है, एकवर्षीय। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, परभनी क्रांति किस्म है, ये किस्म नहीं कि ये परभनी क्रांति किससे रिलेटेड होगी। तो ये किस्म भी होती है लेकिन किससे रिलेटेड होती है, क्रांति अपन ने पहले भी बात की है कि परभनी क्रांति किससे संबंधित है। तो बैंगन से होगी, आलू से होगी, भिंडी से होगी या मिर्च से होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भिंडी से हो जाएगा। अपन ने पहले ही बात की थी भिंडी से परभनी क्रांति, अगर आलू की जो आपके राउंड रिवोल्यूशन थी या गोल क्रांति जिसे बोलते हैं वो किससे थी, आलू से थी। तो अपन ने इसका भी शानदार ट्रिक बनाई हुई है, अपन ने वीडियो डाला हुआ है इस चीज़ के ऊपर भी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देखना। और किसके कारण मिर्च में तीखापन होता है, तो इसके अंदर दो ही एलिमेंट होते हैं, एक तो तीखापन पूछा जाता है और एक लाल रंग पूछा जाता है कि मिर्च के अंदर लाल रंग किसके कारण होता है और तीखापन किसके कारण होता है। तो इसकी भी शानदार ट्रिक बताई थी आपको, तो आई होप कि सबको याद ही होगा। तो ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन नंबर टू है सल्फर, ऑप्शन नंबर थ्री है एमाइड के कारण, ऑप्शन नंबर फोर है कैप्सिसिन के कारण। तो ये आप सभी लोगों को पता हो इसका राइट आंसर होगा जो कैप्सिसिन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब अपन तीखी चीज़ खाते हैं तो सी सी की आवाज़ आती है मुँह से, तो उसी से कोरिलेट करके मैंने बताया था कि जो तीखापन होता है मिर्ची के अंदर वो कैप्सिसिन के कारण होता है। लेकिन अगर इसके अंदर यही चीज़ पूछ ले कि इसके अंदर तीखापन की जगह कि लाल रंग होता है, तो वो लाल रंग किसके कारण होगा, वो होगा कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लाल रंग होता है वो क्या होता है, कैप्सिसिन के कारण, और कैप्सिसिन के कारण क्या होगा आपका तीखापन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ऑप्शन ये, तो इसका क्या होगा कि सल्क कंदीय सब्जी का उदाहरण है, जो सल्क कंदीय होगा उसका कौन सा उदाहरण है, तो रतालू होगा, मूली होगा, शलजम होगा या प्याज होगा। तो सल्क कंदीय का जो आपका सब्जी का उदाहरण है वो हो जाएगा आपका प्याज। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसी फसल जो सस्य विज्ञानी तथा उद्यान विज्ञानी दोनों हैं, कि जो सस्य विज्ञान में भी आती है और उद्यान विज्ञान में भी अपन यूज़ करें, तो ऐसी कौन सी फसल है। तो आई होप ये पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, दूसरा है गेहूँ, गोभी या मटर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मटर हो जाएगा, जिसको क्या करते हैं सस्य में भी पढ़ते हैं और उद्यान विज्ञान में भी अपन दोनों में करते हैं, दोनों की होती है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है डायरेक्टली कि जो सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं।
जो डल की झीलें होती है कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं, ये आप लोगों को सभी लोगों को पता ही होगा। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पतझड़ी पौधे लगाने का उत्तम समय कौन सा होता है, जो पतझड़ी पौधे होते हैं तो उनका लगाने का उत्तम समय कौन सा होगा, तो मार्च अप्रैल होगा, फरवरी मार्च होगा, जनवरी फरवरी होगा, जुलाई अगस्त होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका, तो आई होप कि सभी लोगों को पता ही होगा कि जो फरवरी मार्च होता है उसके अंतर्गत अपन पतझड़ी पौधे लगाते हैं, जैसे कि बसंत काल के अंतर्गत अपन इनको लगाते हैं बसंत ऋतु में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है, गोल्ड फ्लेक व यूफिनेस निम्न में से किसकी एक प्रमुख समस्या है। गोल्ड फ्लेक व यूफिनेस, तो यूफिनेस ये किसकी एक प्रमुख समस्या पाई जाती है, ये टमाटर की होगी, पपीता की होगी, बैंगन की होगी या मिर्च की होगी। तो ये टमाटर के अंतर्गत तो मुख्य समस्या पाई जाती है, ये आपको मैंने एक बार वीडियो के माध्यम से भी करवाया था, ये क्वेश्चन के अंदर भी सोल्व करवाया था पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि थार सेविका या थार कीर्ति किस फसल की प्रमुख किस्म है। जो थार सेविका या थार कीर्ति है वो किसकी प्रमुख किस्म है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ऐसे आसान आसान सवाल तो आप लोगों को आई होप कि आते ही होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा जो आपका, तो वो हो जाएगा आपका बेर। तो बेर की क्या है, थार सेविका एंड थार कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का भविष्यवाणी हेतु कौन से सॉफ्टवेयर उपयुक्त किया गया है। तो जो डाउनी मिल्ड्यू होता है अपने अंगूर के अंतर्गत, तो उसकी भविष्यवाणी करने के लिए, कि पहले ही फोरकास्टिंग कर देंगे कि हाँ भैया किसके अंदर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था, MS वर्ड यूज़ किया गया था या मेट विन 2 किया गया था या गूगल अर्थ किया गया था या मैट किया गया था। इसका भी आंसर आप लोगों को आता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मीट विन टू। तो इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, जो अंगूर के अंदर डाउन में मिल्ड्यू लगता है उसकी फोरकास्टिंग करने हैं, तो कि इसके अंदर होगा या नहीं होगा, इससे पहले ही पता लगाया जा सकता है कि हाँ। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि जड़ वाली सब्जी है, इसके अंदर क्या पूछा गया आपका कि जड़ वाली सब्जी कौन सी है, तो गांठ गोभी होगी, मूली होगी, टमाटर होगी, वह स दोनों होंगी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को आई होप कि सभी को पता ही होगा कि गांठ गोभी होती है, मूली होती है, टमाटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपकी मूली, क्योंकि ये जड़ वाली सब्जी कौन सी होती है, मूली होती है। टमाटर आपको पता ही, ये ऊपर लगते हैं, गांठ गोभी भी ऊपर लगती है ना, तो और एवस है, ये दोनों हो नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूली हो जाएगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, न्यून में से भारत के कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है। तो इसमें किसका पूछा है, फलों का पूछा है कि फलों के अंदर यानी कि फल भारत में कुल फल उत्पादन में फल के अंतर्गत जो आपका सर्वाधिक योगदान आएगा वो किसका आएगा, तो वो आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक फल होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिनों की ट्रिक भी बताई थी जिससे कि आप कैसे इनके नाम आसानी से याद कर सकते हो, तो इसकी भी शानदार ट्रिकें बनाई हुई हैं। तो विटामिन ए के कारण जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है वो किसका होता है, किसका होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आई होप सभी लोगों को पता होगा, फर्स्ट है आम, फिर है टमाटर, फिर है आपका आलू, फिर है अंगूर। तो कौन सी फसल पूछ रहा है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आई होप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका जो आलू होता है वो सर्वाधिक उत्पादित फसल हो जाएगी इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न फलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या, विटामिन सी के बारे में पूछ रहा है, तो विटामिन सी सर्वाधिक किसके अंतर्गत होगा, तो आंवले में होगा, संतरे में होगा, सेब में होगा या आम के अंतर्गत होगा। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आंवले के अंदर सर्वाधिक क्या होता है अगर कंपेयर टू इनके, तो विटामिन सी सर्वाधिक आंवले के अंदर होगा। और अगर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसमें विटामिन सी पाया जाता है डायरेक्ट आ जाए, तो बारमेंडिस चेरी आपकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, केले के तने का भाग जो कि भूमि से ऊपर रहता है, जो भूमि के एक तो नीचे होता है और एक ऊपर रहता है पूरा, जो कि अपन तना भी बोल सकते हैं,
लेकिन उसे अपन किस इस भाषा में क्या बोलेंगे इनको, तो उसे क्या बोला जाता है, राइजोम बोला जाता है या सकस बोला जाता है, आभासी तना बोला जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आभासी तना, क्योंकि जो ऊपर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, आभासी तना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। इससे आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन मिलेंगे, इसके अंदर इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।